छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट का जिक्र आते ही सबसे पहले याद आता है 2013 का वो नक्सली हमला जिसकी गूंज न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उस हमले में खत्म हो गई थी। इन इलाकों में फोर व्हीलर पर जाना खतरनाक है, जगह जगह सड़क पर सड़क किनारे आईडी लगे हुए हैं जो ब्लास्ट हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम मोटरसाइकिल पर इस इलाके में जीरम गांव में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं। 25 मई 2013 का वो दिन था, चुनाव की तैयारियों में लगी कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान बस्तर इलाके पर था और इसके लिए एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई थी और शुरुआत हुई थी नक्सल प्रभावित बहुत ही सेंसिटिव सुकमा डिस्ट्रिक्ट से। और सुकमा में पहली सभा को संबोधित करने के बाद कांग्रेस के नेता वहां से निकले। पूरी कांग्रेस की लीडरशिप बहुत लंबे अरसे के बाद एक साथ थी, जिसमें अजीत जोगी जो अब अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, विद्याचरण शुक्ल ये धुर विरोधी माने जाते थे लेकिन उस परिवर्तन यात्रा में एक साथ थे। जब साढ़े चार बजे का वक्त था जब उस काफिले ने करीब 40 गाड़ियों का वो काफिला था उसने दरभा घाटी को क्रॉस करना शुरू किया और उसी वक्त पहला विस्फोट हुआ। घात लगाकर नक्सली वहां बैठे हुए थे और उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया। उसके बाद उन्होंने वहां गोलियां चलानी शुरू की और सबसे पहले सलवा जुडूम को चलाने वाले कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्र कर्मा को खोजना शुरू किया। महेंद्र कर्मा जो थे वो बस्तर इलाके में कांग्रेस पार्टी का चेहरा उन्हें कह सकते हैं आप वो थे और नक्सलियों के वो निशाने पर थे उस हमले के दौरान। जब हम 2 घंटे बाद वहां पहुंचे हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, तरह तरह के मीडिया कर्मी आए हुए थे और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण भी आए हुए थे मदद के लिए, लेकिन किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि चारों तरफ खाली बॉडी पड़ी हुई थी। सब डरे हुए थे कि फिर दोबारा कहाँ घटना ना घटा दें करके। तो ये वही जगह है जहाँ पे विस्फोट हुआ था, पुल उड़ गया था और पूरी बॉडी पेड़ों पर चिपकी हुई थी, लटकी हुई थी। नंद कुमार पटेल और उनके लड़के को अपने साथ वो जंगल की ओर ले गए थे। तकरीबन शाम 6-6:30 बजे के आसपास खबर मिली कि उन्हें भी मार दिया गया है। घटने के ठीक 4-6 महीने के बाद जो है तो घाट में ही एक कैंप खोल दिया गया, सीआरपीएफ की बटालियन है यहाँ पे और ठीक जीरम गांव पड़ता है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, एक वहाँ कैंप खोले हैं। जीरम घाटी हमले के करीब 6 महीने बाद जब 2013 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुए तो लोगों की सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के साथ दिखी। बस्तर की 12 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस के हिस्से आई। हम लोग इस वक्त जीरम गांव के अंदर आ चुके हैं और लेकिन यहां पर भी हमें इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। ज्यादातर ये जो गांव है वो सुनसान पड़ा हुआ है। रोड ठिकाना नहीं हुआ, अब बच्चे पढ़ने का रात पढ़ेंगे बोलने से ना लाइट नहीं है, जो पानी का सुविधा नहीं है ठिकाना। और 100 साल आए तो बन गया फिर भी उसमें पानी जरूरत है, पानी भी ठिकाना नहीं है। हम लोग शौचालय में अभी कोई चुनाव में आया है आपको वोट मांगने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया चुनाव नेता पिता में तो नहीं आया चुनाव मतलब इसमें वोट डालो ये करो बोल के कोई नहीं आया। इससे पहले नहीं डाले सर। क्यों? वही नक्सली के कारण से। क्या कहते हैं वो? वो लोग पिरा के हाथ पैर काट के छोड़ दूंगा इसी बोलते हैं ना सर, इसलिए इस साल डालूंगा। लेकिन तो इतना सिक्योरिटी फोर्स है ये कुछ मदद नहीं करता है? नहीं करते हैं सर। तो आपने वोट नहीं डाला इससे पहले? जी इस बार डालेंगे। डालेंगे सर। किसको डालेंगे? और सियान मुखिया मन बोलने से डालेंगे सर, बात नहीं हुआ। अच्छा, मुखिया जहाँ बोलेगा वहाँ डालेंगे। जी सर।
चीरम गांव से लौटते वक्त मुझे बस यही लगता है कि नक्सलियों की धमकियों और पॉलिटिकल क्लास की बेरुखी के बीच फंसे इन आदिवासियों की ज़िंदगी में चुनाव आते तो हैं लेकिन कुछ लाते नहीं। बस्तर में छत्तीसगढ़ चुनाव की स्पेशल कवरेज के साथ मैं नीरज गुप्ता क्विंट के लिए।